हेलो एवरीवन तो आज हम इस वीडियो के द्वारा गुजरात बोर्ड का हिंदी जो कि क्लास टेंथ का है इसके चैप्टर नंबर थ्री सवैये इसे कर रहे थे इसके अभ्यास कार्य पार्ट वन को हमने इससे पहले वाले वीडियो में देखा अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले आप उस वीडियो को देख ले ताकि आपको इसके पहले वाले क्वेश्चन आंसर आपको अच्छे से समझ में आ जाए तो आइए इसे हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो तीन वाक्यों में लिखिए जिसका पहला क्वेश्चन है किस पर्वत का पत्थर होना रसखान चाहते हैं और क्यों तो रसखान अगले जन्म में श्री कृष्ण की जन्मभूमि में जन्म लेना चाहते हैं भले ही वह पत्थर के रूप में ही क्यों ना हो वे उस पर्वत का पत्थर बनना चाहते हैं या होना चाहते हैं जिसे श्री कृष्ण ने अपने हाथों पर उठा लिया था इसका कारण यह है कि वे उस पहाड़ का पत्थर बनकर अपने आप को धन्य मानेंगे क्योंकि उस पर्वत को श्री कृष्ण ने स्पर्श किया था तो वो गोवर्धन पर्वत का पत्थर बनना चाहते हैं क्यों क्योंकि स्वयं श्री कृष्ण ने उसे अपने हाथों से उठाया था उंगली से तो इसी बहाने श्री कृष्ण का स्पर्श उन्हें मिलेगा और वो धन्य हो जाएंगे इसीलिए वो ऐसा चाहते हैं सेकंड है लकुटी लेकर रसखान क्या करना चाहते हैं और क्यों लकुटी लेकर रसखान श्री कृष्ण की जन्मभूमि में कृष्ण की भांति वन में भटकते हुए गाय चराना चाहते हैं इससे वे अपने आप को श्री कृष्ण के समीप होने का एहसास करना चाहते हैं वे लकुटी लेकर गायों के साथ वन में गायों को चराना चाहते हैं और ऐसा इसलिए चाहते हैं क्योंकि वो कृष्ण के साथ या उनके समीप रह पाएंगे उनको ऐसा एहसास होगा थर्ड है श्री कृष्ण को रिझाने के लिए गोपियाँ क्या क्या करना चाहती है तो श्री कृष्ण को रिझाने के लिए गोपियाँ श्री कृष्ण के तरह तरह के स्वांग करना चाहती हैं स्वांग अर्थात जैसा जैसा रूप वो धारण करते हैं वैसा वे करती हैं वे श्री कृष्ण की तरह अपने सिर पर मोर पंख धारण करना चाहती है गुंजों की माला गले में पहनना चाहती हैं तथा पिताम्बर ओढ़कर और हाथ में लाठी लेकर गायों के पीछे ग्वालों के साथ साथ वन में भटकना चाहती है तो ये सारी क्रियाएं जो कृष्ण करते हैं जैसे सिर पर मोर पंख धारण करना गूंजों की माला पहनना पिताम्बर ओढ़ना और हाथ में लाठी लेकर गायों को चराने जाना ये सारी क्रियाएं गोपियाँ भी करती हैं नेक्स्ट है गोपी कृष्ण की मुरली को अपने अधरों पर क्यों नहीं रखना चाहती अधरों अर्थात होठों पर गोपियाँ गोपियों का श्री कृष्ण से निश्चल प्रेम है वे नहीं चाहती कि कृष्ण की मुरली को वे अपने अधरों पर रखकर जूठी करें वे इस चेष्टा को अपने प्रिय के साथ विश्वासघात मानती है वे अपने प्रिय के साथ विश्वासघात होगा इसीलिए वो ऐसा सोचती है कि मुरली को अपने होठों पर नहीं रखना है क्योंकि वो कृष्ण से निश्चल प्रेम करती है जिसकी कोई सीमा नहीं है तो ऐसा वो सोचती है कि अगर वो मुरली को अपने होठों पर रखू रखेगी तो वो झूठी हो जाएगी इसीलिए वो अपने प्रिय के साथ विश्वासघात नहीं करना चाहती है नेक्स्ट है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर चार पांच वाक्यों में लिखिए जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है रसखान श्री कृष्ण का सामिप्य किन रूपों में किस प्रकार कर चाहते हैं तो कवि रसखान श्री कृष्ण और उनकी लीला स्थली से अभिभूत हैं, वे हर चीज से सामिप्य चाहते हैं जिनका संबंध श्री कृष्ण से रहा है वे अगले जन्म में गोकुल गांव में जन्म लेकर वहां के ग्वालों के बीच उसी तरह रहना चाहते हैं जैसे श्री कृष्ण रहते थे कृष्ण के बचपन में नंद की गायें चराने जाया करते थे वे पशु के रूप में जन्म लेकर नंद की गायों के बीच चरना चाहते हैं यमुना के किनारे कदम्ब के पेड़ों पर चढ़कर बचपन में श्री कृष्ण ग्वाल बालों के साथ खेला करते थे पक्षी के रूप में जन्म लेकर अस्खान इन्हीं कदम्ब के वृक्ष पर रैन बसेरा करना चाहते हैं इतना ही नहीं यदि अगले जन्म में वे, वे पत्थर बने तो उसी पहाड़ का पत्थर बनने की कामना करते हैं जिसे श्री कृष्ण ने अपने हाथों से उठा लिया था यानी जिसका उन्होंने स्पर्श किया था तो रसखान जी है वो श्री कृष्ण के समीप में रहकर किन किन रूपों में रहना चाहते हैं तो वो बताया गया है कि वो उनके नगरी गोकुल में रहना चाहते हैं वहाँ जन्म लेना चाहते हैं ग्वाल बालों के बीच रहना चाहते हैं जिसके साथ कृष्ण रहते थे पचपन में जैसे वो नंद की गाय चराना चाहते थे वैसे ही ये भी नंद के गायों के बीच चरना चाहते हैं यमुना के नदी के किनारे जो कदम के पेड़ है वहाँ चढ़कर कर श्री कृष्ण जो है वो ग्वाल बालों के साथ खेला करते थे तो ये पक्षी के रूप में भी जन्म लेकर कदम के वृक्षों में रहना चाहते हैं अगले जन्म में अगर वो पत्थर बने तो वो गोवर्धन पर्वत का पत्थर बनना चाहते हैं जिसे श्री कृष्ण ने स्वयं अपने हाथों से स्पर्श किया था तो ये सारी चीज़ें रसखान जी चाहते हैं ताकि वो कृष्ण के समीप में रह सके सेकंड है कवि श्री कृष्ण से संबंधित किन वस्तुओं की अभिलाषा करते हैं अभिलाषा अर्थात इच्छा इनके लिए वह किन किन वस्तुओं को छोड़ने के लिए तैयार है कवि रसखान की श्री कृष्ण के प्रति अनन्य श्रद्धा है वे हर हालत में श्री कृष्ण के समीप रहना चाहते हैं इसके लिए वे उन वस्तुओं की अभिलाषा करते हैं जिनका संबंध श्री कृष्ण से रहा है श्री कृष्ण लाठी और कमली लेकर वन में गाय चराना जाया करते थे इसी लाठी और कमली पर वे आकाश पाताल और मृत्यु लोग तीनों लोगों के राज्यों को भी तुक्ष मानते थे यानी छोटा और उसे खुशी खुशी छोड़ने को तैयार है नंद की गायों को चराने के सुख को वे आठों सिद्धियों और नौ निधियों से भी बढ़कर मानते हैं इसे पाने के लिए वे इन्हें संघर्ष सहर्ष यानी खुशी के साथ छोड़ने को तैयार है व्रज के जिन वनों बगीचों और सरोवरों का संबंध श्री कृष्ण से रहा है उन्हें देखने के उनके मन में बड़ी अभिलाषा है इतना ही नहीं वे ब्रज की कांटेदार झाड़ियों के लिए सोने से बने करोड़ों महलों को भी न्यौछावर करने के लिए तैयार है तो वे श्री कृष्ण के समीप रहने के लिए वो विभिन्न चीजें छोड़ने के लिए तैयार है जैसे कहा गया है कि जो आकाश पाताल मृत्यु लोग तीनों लोगों का जो सुख है ये भी बहुत छोटा है श्री कृष्ण के पास में रहने के लिए तो ये सारी चीज़ें वो छोड़ने के लिए तैयार हैं अगर नंद की गायों के साथ उनको चराने का सुख मिले तो वो इसके बदले आठों सिद्धियों नौ निधियों का सुख भी छोड़ने के लिए तैयार है खुशीपूर्वक तो इस प्रकार से वो कृष्ण के साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय उनके साथ समीप रहना चाहते हैं ताकि वो उनके करीब रह सके नेक्स्ट है कृष्ण की मुरली का व्रज की स्त्रियों पर क्या प्रभाव पड़ा व्रज की स्त्रियां कृष्ण की मुरली की धुन की दीवानी थी श्री कृष्ण ने अपनी मुरली की मनमोहक तान से व्रज की समस्.. समस्त समस्त स्त्रियों को रिझा लिया था अपनी मुरली की धुन से जैसे उन्होंने व्रज की स्त्रियों पर कुछ ऐसा जादू टोना सा कर दिया था कि वे उनके हृदय में घर कर गए थे हालत ऐसी हो गई थी कि किसी को किसी की परवाह नहीं थी व्रज के सारे स्त्री पुरुष कृष्ण की मुरली के धुन पर मुग्ध हो गए थे तो कृष्ण की मुरली का व्रज की स्त्रियों पर बहुत ही ज़्यादा प्रभाव पड़ा था वे मुरली की धुन की दीवानी थी जो स्त्रियां हैं वो वो श्री कृष्ण के मुरली की जो मनमोहक आवाज़ है उनको सुनकर अपनी ही दुनिया में खो जाती थी और ऐसा वो मुरली की धुन जादू टोना कर दिया था उन पर कि वे उनके हृदय में बस गए थे घर कर गए थे तो ऐसी हालत हो गई थी कि उसकी धुन को सुनकर उन्हें किसी की परवाह ही नहीं होती थी तो इस प्रकार से मुरली ने वहाँ के स्त्रियों को मुग्ध कर दिया था मन मोह लिया था उनका नेक्स्ट है कृष्ण के प्रति अपनी भक्ति प्रदर्शित करने के लिए रसखान क्या क्या निच्छावर करना चाहते हैं तो ये हमने पहले भी जैसे रिपीट किया है कवि रसखान के मन में श्री कृष्ण के प्रति अभार श्रद्धा है वे अपने आराध्य देव के प्रति समर्पित है श्री कृष्ण का लकुटी और कमली लेकर गायों को चराने के लिए वन में जाने वाला रूप उनके मन में समाया हुआ है उस रूप का दर्शन करने के लिए वे तीनों लोगों के राज्य को निछावर करने के लिए तत्पर हैं तैयार हैं नंद की जिन गायों को उनके आराध्य देव श्री कृष्ण ने चुराया था वे उन चराया था वे उन गायों को चराकर अद्भुत सुख प्राप्त करना चाहते हैं इस सुख के सामने वे आठों सिद्धियों और नौ निधियों को भी तुक्ष मानते हैं नंद की गायों को चराने के सुख के सामने वे इन सिद्धियों और निधियों को निशावर करने को तैयार हैं वे व्रज के लता कुंज और पेड़ पौधों का दर्शन करने के लिए बेचैन हैं इतना ही नहीं वे ब्रज की कंटीली झाड़ियों को भी सोने से बने महलों से मूल्यवान मानते हैं और उनके सामने सोने के करोड़ों महलों को निछावर करते हैं तो इसमें कहा गया कि किस प्रकार रसखान विभिन्न सुख सुविधाओं को छोड़ने के लिए तैयार है कि वो कृष्ण की किस प्रकार से भक्ति करना चाहते हैं किस प्रकार से उनके समीप में रहना चाहते हैं पास में रहना चाहते हैं इनके लिए वो तीनों लोक के जो राज्य हैं उनको निछावर करने के लिए तैयार हैं जिस प्रकार से नंद की गायों को कृष्ण ने चराया था उसी प्रकार से रसखान जी भी करना चाहते हैं वे उनके सुख के सामने आठों सिद्धियों नौ निधियों का जो सुख होता है वो भी उनको बहुत छोटा लगता है इस प्रकार से वे ज़्यादा से ज़्यादा समय कृष्ण के साथ ही रहना चाहते हैं और इतना ही नहीं वो उनके साथ रहने के लिए अगर कंटीली झाड़ियों के बीच भी रहना पड़े तो वो सोने के महल से कम नहीं है ऐसा वो मानते हैं उनके सामने तो करोड़ों महल जो सोने के हैं वो भी वो निछावर कर दें तो रसखान इस प्रकार से विभिन्न चीज़ें निछावर करना चाहते हैं जो अभी हमने पढ़ा नेक्स्ट है उचित जोड़े बनाइए फर्स्ट है मनुष्य इनमें से इनका जोड़ा बनाना है कि कौन सही सुटेबल है मनुष्य के लिए पशु के लिए पक्षी के लिए पत्थर के लिए तो मनुष्य के लिए होगा गोकुल का गांव, पशु के लिए होगा नंद की गाय पक्षी के लिए होगा यमुना के किनारे कदम की डाल और पत्थर के लिए होगा गोवर्धन पर्वत ये इसका सही मिलान है तो उम्मीद है हमने जितने क्वेश्चन आंसर किए आपको समझ में आए होंगे तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करना शेयर करना सब्सक्राइब करना कमेंट करना ना भूलें थैंक यू